ईरान और इसराइल के बीच टकराव को लेकर बड़ी खबर। ईरान से बड़े मिसाइल हमले के खतरे के बीच इसराइल ने आयरन डोम से भी खतरनाक एयर डिफेंस की तैयारी कर ली है। इसराइल के रक्षा मंत्रालय ने लेजर किरणों से मिसाइल को गिराने वाले सिस्टम आयरन बीम के लिए 4,000 करोड़ रुपए की डील कर दी है। यह सिस्टम तैनात करने में अभी 1 साल का वक्त लग सकता है। दक्षिण लेबनान के एतरून इलाके में इसराइल की सेना ने हवाई हमला किया है। वहां एक के बाद एक कई बम गिराए गए जिससे पूरे इलाके में तबाही मच गई। चारों तरफ धुएं का गुबार देखने को मिला है। धमाके के बाद वहां मौजूद कई इमारतों में आग लग गई। तो लेबनान के एतरून इलाके में इसराइल ने बरसाए बम। धमाके के बाद पूरे इलाके में तबाही मची है। पूरा इलाका खंडर में तब्दील हो चुका है। काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है। दक्षिण लेबनान में इसराइल के हवाई हमले जारी है। तो इसराइल और ईरान इस वक्त ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां की किसी भी वक्त वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है और जंग के जो हालात बने हुए हैं उससे सुपर पावर अमेरिका भी टेंशन में है क्योंकि इसराइल को अमेरिका का समर्थन है तो ईरान के साथ पुतिन खड़े हैं। ऐसे में हालात बिगड़ने पर यह जंग अमेरिका बनाम रूस भी हो सकती है। इसराइल का कैपिटल तेल अवीव, इसराइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर और पोर्ट सिटी हाइफा, इसराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर अश्किलोन, इसराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह अश्दोद, इसराइल का सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस नेवातिम, निगेव के रेगिस्तान में सबसे बड़ा शहर बीरशेबा। इन्हें मिलाकर इस वक्त इसराइल के 25 शहरों में ऐसा अलर्ट है। एक ऐसी घड़ी टिक टिक कर रही है जिसमें हमले वाले अलार्म की घंटी नहीं बजेगी। इस घड़ी का कंट्रोल ईरान के पास है। 1000 मिसाइलों वाला ये वो टाइम बम है जिसके टारगेट पर पूरा इसराइल है। 1 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा किसी भी वक्त हो सकता है। ये बात नेतन्याहू और उनके वॉर कैबिनेट को मालूम है क्योंकि ईरान में 3 लेवल पर फैसला हो चुका है। पहला लेवल यानी सबसे बड़ा इशारा ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई से मिला। उन्होंने कह दिया कि 26 अक्टूबर को हुए हमले का जवाब देना जरूरी है। दूसरा लेवल यानी सरकार के स्तर पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने कह दिया है कि ईरान अब इसराइल से बदला जरूर लेगा। और तीसरा लेवल यानी ईरान की सेना, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बड़े कमांडर हुसैन सलामी ने कह दिया है कि इसराइल को सजा जरूर मिलेगी। 1 अक्टूबर को ईरान ने जिस तरह से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात की थी, ये तीनों ऑर्डर उसी हमले की कामयाबी और फिर इसराइल के जवाबी हमले के असर को लेकर किए गए हैं। ये खबर देखिए, इसकी हेडलाइन देखिए। ईरान में मिलिट्री के सूत्रों ने बताया है कि इसराइल पर हमले के लिए 1000 मिसाइल तैयार कर ली गई है। 1 अक्टूबर को ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए थे। इस बार अगर ईरान 1000 मिसाइल फायर करेगा तो सोचिए क्या होगा। ये बात इसराइल से ज्यादा अमेरिका को परेशान कर रही है क्योंकि युद्ध बढ़ा तो खाड़ी में अमेरिका के अड्डे ईरान का सॉफ्ट टारगेट बन सकते हैं। बहुत साफ है कि ईरान में हर लेवल पर यह बात पक्की हो चुकी है कि अब इसराइल पर काउंटर अटैक उसकी जिम्मेदारी बन चुकी है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? आखिर ईरान और इसराइल के बीच में सबसे बड़ा युद्ध होने जा रहा है। क्या ईरान पर इसराइल का हमला आज ही होने वाला है? क्या ईरान का बदला लेने वाला हथियार एक्टिव हो चुका है? इस वक्त इसराइल और अमेरिका दोनों ईरान में होने वाली हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। उनकी टेंशन बढ़ गई है। अब अमेरिका भी परेशान है कि ईरान ने इसराइल पर तीसरी बार हमला किया तो उसके पास भी युद्ध में शामिल होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैसेज ये है कि अगर ईरान और इसराइल का युद्ध हुआ और अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा होगा जबकि दूसरी तरफ पुतिन पूरी तरह ईरान की ढाल बनकर खड़े होंगे, या कहें कि ईरान और इसराइल युद्ध अमेरिका बनाम रूस की जंग बन जाएगी। नेतन्याहू और उनका वॉर कैबिनेट ये बात जानता है और इस बात पर चर्चा भी कर चुका है कि ईरान बहुत ज्यादा गुस्से में है। खामेनेई अब इसराइल के एक एक हमले का बदला लेना चाहते हैं क्योंकि 26 अक्टूबर को हुए इसराइल के हमले में ईरान के आक्रामक छवि वाला रौब तार तार हो चुका है। यही वजह है कि अब ईरान तीसरी बार इसराइल पर बहुत बड़े हमले के लिए बेकरार है।
مطلب دوم مربوط به این حرکت شرورانه است که دو شب پیش اینجا انجام دادن. خب یه غلطی کرد، خودشون هم البته بزرگ نمایی میکنن، بزرگ نمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلط. اینی که ما بگیم نه چیزی نبود، اهمیتی نداشت فلان. تهران کے آسمان میں اسرائیل کی میزائلوں کو کاؤنٹر کرتے ہوئے ایئر ڈیفنس سسٹم کی مارک شمتا پوری دنیا نے دیکھی. ایران کا دعویٰ ہے کہ بہت سے حملے روک لیے گئے، نقصان بہت معمولی ہوا، لیکن اسرائیل کے حملے نے دنیا کو ڈرا دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. 1 اکتوبر 2024 کو ایران نے اسرائیل پر 200 میزائل فائر کی. 26 اکتوبر 2024 کو اسرائیل نے ایران پر جوابی اٹیک کیا. اب سوال ہے کہ ایران کاؤنٹر اٹیک اکتوبر میں ہی کرے گا یا نومبر تک انتظار کرے گا. متجاوزی حاضر نیستن کوتاه بیان و کوتاه هم نخواهند اومد. قطعا کسانی که آزادند در مقابل این تجاوزات و این جنایت های این رژیم صفاک کوتاه نخواهند اومد. ما از حق و حقوق کشورمون. ایران کی لیڈرشپ کے تیور بتا رہے ہیں کہ ایران نومبر تک انتظار نہیں کرے گا، لیکن دوسری طرف یہ بھی صاف ہے کہ اسرائیل بہت زیادہ الرٹ ہے اور وہ ایران کو اب موقع نہیں دے گا. اس بار نیتن یاہو کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، یہ بات وہ بار بار کہہ رہے ہیں. מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. זהו העיקרון שהנחה אותנו עד היום, וזה העיקרון שינחה אותנו גם בהמשך הדרך. התקיפה באיראן הייתה מדויקת ועוצמתית, והשיגה את כל מטרותיה. נתניהו כי דמקי מי חתרה סף נזר ערה ہے. נתניהו כו אפני ויו סנה פר ברוסה ہے. وہ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے فائٹر جیٹ اور ان کے سپیشل میزائل ایران کو ہر طرف سے کور کرتے ہیں، لیکن سوال ہے کہ کیا ایران خاموش بیٹھے گا؟